तो आपको बता दें कि आखिरकार लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से अपना नामांकन किया है। अटकलें कयास यही लगाए जा रहे थे कि वो अमेठी से एक बार फिर से, जो इनकी पारंपरिक सीट है, उस पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए रायबरेली से राहुल गांधी ने, तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा मैदान में उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। आज रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। रायबरेली में राहुल का बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से मुकाबला है। रायबरेली में 20 मई को मतदान होने हैं। राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। तो ये सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ, जिसके बाद अब ये जो टक्कर है वो सामने अब आएगी। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमेठी से राहुल शुक्ला से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमरीश के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या ये जो हुआ है उसके मायने क्या है। राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने आखिरकार इस तरीके का फैसला क्यों लिया अमरीश? क्योंकि अमेठी तो उनकी पारंपरिक सीट रही है, लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस कांग्रेस का क्या हो सकता है? देखिए, पिछली बार जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, अमेठी से चुनाव हारे थे, उसके बाद कई तरह की बातें शुरू हुई थी और वायनाड जाके उन्होंने कहा था कि नॉर्थ के जो वोटर्स हैं वो उतने लॉयल नहीं हैं जितने कि साउथ के वोटर्स हैं, और एक बड़ा आरोप नॉर्थ के तरफ से नॉर्थ पर लगाया गया था और इसी बात को बीजेपी ने बड़ा इनकैश किया था। अब राहुल गांधी ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा जब चुनाव हो रहे हैं तो वो अपने आप को सिर्फ साउथ का एक लीडर बनाएं, नॉर्थ को बिल्कुल खुलेआम छोड़ दिया जाए। और नॉर्थ में अगर वो जाते हैं तो उसके लिए क्यों रायबरेली चुना, उसके पीछे भी दो कारण जो मुझे लगते हैं। पहला तो है कि अमेठी में अगर वो सामने आते हैं स्मृति ईरानी के, तो पिछली बार का जो उनका लक्ष्य था उसको शायद वो क्रैक न कर पाएंगे। और अगर स्मृति ईरानी दोबारा जीतती है तो राहुल गांधी का जो वर्चस्व है या फिर जो कहिए पहचान उस इलाके में है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इस सीट को लेकर इस दुविधा में नहीं पड़ना चाहते थे राहुल गांधी। साथ साथ रायबरेली की जो सीट है वो परंपरागत सीट है, इंदिरा गांधी के जमाने से वो सीट चली आ रही है कांग्रेस के पास से। सोनिया गांधी हर बार उस पर चुनाव लड़ती थी, अब सोनिया गांधी राज्यसभा से गई हैं संसद में, तो अब ये सीट खाली हुई, तो मां की सीट के साथ उनको आगे बढ़ना एक कंफर्टेबल एक सुरक्षित सीट माना जाता था। इसलिए वो राहुल गांधी अपने आप को नॉर्थ में प्रेजेंट रहे, सुरक्षित सीट के साथ जाए, ताकि कोई और नुकसान न हो पार्टी को और उनकी छवि को और उनकी निजी छवि को। इन सबको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। अमेठी की सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो सबसे लॉयल है उस पूरे इलाके में केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, उनको अमेठी की सीट दी गई है। अगर वो नहीं भी कंपीट करते हैं, नहीं भी हारते हैं, तो भी उनका कोई नुकसान नहीं है, और अगर जीत जाते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा झटका होगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हमको देखने को मिलेगा 20 तारीख का जो चुनाव होगा उसमें। और अब जब राहुल गांधी ने पर्चा अपना भर दिया, उसके बाद किस तरह से दोनों पार्टियां, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या फिर बीजेपी हो, किस तरह से इन पूरे बातों को लेकर जा रही हैं, आपने देखा होगा लगातार इस तरह के सवेरे से ट्वीट और रैलियों में इस तरह की बात आ रही है कि राहुल गांधी अब डर के मारे, पहले कहते थे आओ लड़ो, अब डर के मारे भाग गए हैं वो अमेठी छोड़ के। तो इस तरह की लगातार चर्चाएं चल रही है और बेहद दिलचस्प होने जा रहा है चुनाव। स्वाति, बिल्कुल, तो ये तो रायबरेली की बात हुई, पर अमेठी में क्या हुआ है ये भी जरा बता दे। किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है और उनके सामने बीजेपी की स्मृति ईरानी है, जो कि पिछले बार राहुल गांधी के खिलाफ इसी सीट पे जीती थी। हमारे साथ राहुल शुक्ला है। राहुल, जरा बताइए कि आखिरकार अमेठी में जो एक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार केएल शर्मा को उतारा गया है, क्या ये सीट जीतना कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है? तरीके से अमेठी कांग्रेस की गढ़ कही जाती थी, उसको 2014 से लगातार स्मृति ईरानी मैदान में आती हैं और 2014 में हार का सामना जरूर करती है स्मृति ईरानी, लेकिन वो क्षेत्र में बनी रहती हैं, उनके बीच जाती हैं, जैसे उनकी बातों को जनता समझ पाती है 2019 में उनको ताज पहना देती है जीत का और राहुल गांधी को हरा देती है 55,000 वोटों से। लेकिन जैसे ही 2019 में हारती है उसके बाद से स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में बनी रहती है और जैसे ही 2024 में वो चुनौती देती है राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए कि आ जाए हम नामदार बनाम कामदार चुनाव को देखना चाहते हैं, तो राहुल गांधी अमेठी की सीट को भापने के लिए अपनी टीम भेजते हैं और वह एक आंकड़ा इकट्ठा करती है जिस आंकड़े के आधार पर राहुल गांधी और उनकी टीम डिसीजन करती है कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन
जिस तरीके से अमेठी में चुनाव न लड़ने का डिसीजन लेते हैं उसका कहीं ना कहीं पूरा फायदा भाजपा की टीम उठाती है और भाजपा लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी कभी अमेठी को अपना परिवार बताते थे लेकिन अब जो अपने परिवार को छोड़ सकता है वो किसका हो सकता है। इसी बात को लेकर लगातार यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी हमलावर है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी जब साउथ में गए थे तो वायनाड में इन्होंने कहा था कि अमेठी के लोग कम लायल हैं, जिस बयान का पूरा फायदा स्मृति ईरानी ने उठाया था और स्मृति ईरानी ने कहा था कि जब जो लोग अमेठी से बाहर जाकर अमेठी की बुराई कर सकते हैं वो अमेठी के कैसे हो सकते हैं। इस बात को लेकर भी वहां पर लगातार चर्चा बनी थी जिसको लगातार हर जनसभा में उन लोग कहती नजर आई थी और उसी का पूरा फायदा मिला है इस समय। और जिस तरीके से केएल शर्मा को प्रत्याशी बना दिया है कांग्रेस ने, केएल शर्मा गांधी परिवार के बहुत ही वफादार आदमी है, 1981 से जुड़े हुए हैं, 1981 में राजीव गांधी के समय से वो चुनाव लड़ते रहे और कहा जाए तो वो राजनीति के चाणक्य भी हैं गांधी परिवार के लिए। लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार के चाणक्य हैं, चाणक्य होने के साथ साथ जब चाणक्य को खुद मैदान में उतार दिया गया है तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के लिए भी एक कड़ी चुनौती भी है। लेकिन इस मौके को कितना भुना पाती है कांग्रेस, कितना भुना पाती है भाजपा, ये तो सिर्फ अब 4 जून का फैसला आएगा, तब होगा। बिल्कुल, तो चलिए ये रही जो सस्पेंस और सुगबुगाहट जो चल रही थी वो आखिरकार खत्म हुआ। तो राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा मैदान में उतारे गए हैं। अमरीश पांडे और साथ ही राहुल शुक्ला दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे इस जानकारी के लिए। तो ये तो बात रही कि आखिरकार क्या चला यहाँ पर चुनावी मैदान में अमेठी और रायबरेली से, पर राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने और रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर स्मृति ईरानी ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या उन्होंने कहा हम आपको बताएं, उन्होंने कहा कि राहुल को अमेठी में जीत की गुंजाइश नहीं दिखी इसलिए उन्होंने रायबरेली का रुख कर लिया। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेहमानों का स्वागत है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अमेठी हमारे दिल में बसा है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है, मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते।